चले चल जा।
मैं विचार कर रहा था कि निवाई वालों कौन सा पुण्य किया है तुम लोगों ने, कौन सा पुण्य तुम लोगों ने किया है और कितना पुण्य अर्जन किया है कि जो कार्यक्रम सारी की सारी भूमिका बन चुकी, पत्रिकाएं छप चुकी, सब कुछ रेडी था, अब जो कार्यक्रम माजपुरा में होने वाला था ना जाने कौन से पुण्य की वजह से निभाई। मैं तो आप लोगों की पुण्य की वायगड़ा जो खींच रहा है, मैंने देखा यह अद्भुत समर्पण। अरे माता जी लावा पहुंची, मुझे लगता है इंतजार ही कर रहे थे कि माता जी लावा पहुंचे और निवाई वाले उनको लेकर के आ जाए। निश्चित रूप से प्रशंसनीय है यह कमेटी और कमेटी के प्रत्येक महान भाव। निवाई तो वैसे माता जी मैं लगभग 6-7 साल पहले आया था और अब दोबारा आने का मौका मिला है। राकेश जी ने इनसे बराबर संपर्क बना रहता है, कई बार विद्वान भेजे भी हैं मैंने, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी कमेटी जो एक आवाज और इंतजार, क्योंकि एक कमेटी की हाँ, उन पांच लोग जो पंच होते हैं उन पांच की हाँ से 500 लोगों को लाभ मिल जाया करता है। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। आइए कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से ये जो सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, एक मंगलाचरण यहाँ पे होगा। निश्चित रूप से मंगल आचरण के साथ में सबका आचरण मंगल हो, मंगलाचरण हो। महिला मंडल आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ, महिला मंडल को आए और मंगलाचरण के माध्यम से शांतिनाथ गंगाजी नंदीवाल मंदिर महिला मंडल। I'm not afraid.
बहुत सुंदर जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए। निश्चित रूप से कितना सुंदर मंगलाचरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है महिला मंडल ने, और निश्चित रूप से बधाई की बात है। और आइए कार्यक्रम की गति को हम आगे बढ़ाते हैं, और जिन्होंने एक इतना बड़ा उपक्रम किया है पूज्य माता जी को आमंत्रित करने का, और इतनी जल्दी इतनी सारी की सारी व्यवस्थाएं, शानदार व्यवस्थाएं यहाँ पर आप लोगों के बीच रखनी है। मैं सकल दिगंबर जैन समाज की कमेटी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और सर्वप्रथम आकर के गुरु माँ के श्री चरणों में, उन प्रासुक चरणों में, उन चरणों में जिनके चरणों में झुकने से सारी की सारी पीड़ाएं, सारे के सारे कष्ट मिट जाया करते हैं। मैं सकल दिगंबर जैन समाज निवाई की कमेटी से आग्रह करता हूँ। हमारे बीच हमारे नगर पालिका के भाई के पुत्र हैं जो श्रीपद समर्पित करें सम्मान से दिल्ली की श्रावी। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत कीजिए नगर पालिका के चेयरमैन साहब। निश्चित रूप से राजनीति भी जब पंच चरणों में आ जाती है तो समझना मैं सामने करूंगा कि उनका स्वागत सम्मान भी यहाँ पर संपन्न करें। स्वागत सम्मान हो रहा है, आप लोगों की तालियां भी बज रही हैं। और आइए शीघ्रता से सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, और हम सभी निवेदन अनुनय प्रार्थना अनुग्रह उन चरणों में जिनके चरण अपनी गुरु मां के चरणों की अनुगामी है, गुरु चरणानुगामी, और यूं कहने की शब्दों की जादूगर। जी हाँ, निवेदन कर रहा हूं परम पूज्य गर्णी आड़िका 105 विद्यमती माता जी के श्री चरणों में कि माता जी की मंगलमयी देशना हम सभी को प्राप्त हो। हाथ जोड़ो, बोलो वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। अक्षयानंद के बोधाय
पिछले 23 वर्षों की स्मृति तरोताजा हुई है आज, बहुत अच्छा लगा। अंतर इतना हुआ, पहले जमींदार थे और आज चौकीदार बन गए। महाभावो, मुझे लग रहा है कि कहीं अपने घर में वापस तो नहीं आ गई मैं। परम पूज्य महाव्रत की दीर्घ साधिका, हम सबके गुरु के रूप में जो विराजमान हैं, यथा नाम तथा गुण को प्राप्त, जिन्होंने 5 लब्धियों में से शायद 5 ही लब्धियों को हस्तगत कर लिया है, यही कारण है सब कुछ होते हुए भी खुद को छिपा करके रखते हैं, मानो यही गुदड़ी के लाल हैं। मान भावो, अभी कुछ कहने का ऐसा अवसर नहीं है कि हम कुछ आपके बीच में कह पाए, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा भैया जी ने अभी कहा था, घड़ी बड़ी अनमोल होती है, पता नहीं होता कहाँ क्या होना है। सच बात तो यही थी कि सब कुछ तो तैयारी हो चुकी थी, लेकिन निवाई का कहाँ से ऐसा पूर्ण जगह पूज्य माता जी के मन मस्तिष्क में कहाँ से ये शब्द आया कि निवाई चलना है। मुझे नहीं विश्वास था कि आप अपनी गुरु माँ की अगवानी में अपना सब कुछ बिछा दोगे। मन प्रसन्नता से ओतप्रोत हुआ जब निवाई की पूर्ण धरा पर देखा, ना पुरुषत्व शक्ति पीछे है और ना मात्र शक्ति पीछे है। मैना मंडल के द्वारा जो जय घोष का वादन हुआ, वो अपने आप में बहुत ही तारीफ के काबिल है कि जिन्होंने अपने
बहुत ही समर्पण भक्ति की भावना से गुरु चरणों में अपनी कला कौशल का प्रदर्शन किया और उसके साथ माता जी को अपने गंतव्य स्थान तक लेकर के आए। हमारे बीच में चेयरमैन साहब पधारे हैं, पार्षद पधारे हैं, सभी हैं, तो मुझे लगता है कि केवल अगवानी ही मात्र अपना कर्तव्य नहीं है। ये तो पुस्तक का प्रथम प्रश्न है, अभी पूरी पुस्तक बाकी है। निश्चित रूप से हम मन बना रहे हैं, कल तारीख 5 तारीख है शायद, ठीक है ना? तो 5 तारीख में शायद हमने बहुत तैयारियां की हैं, बहुत सुंदर अच्छा किया है। मंडी का सीजन चल रहा है ये भी मुझे पता है, जो लोग मंडी के यहाँ बैठे हैं कितने जरा हाथ ऊंचे करेंगे, मंडी के कोई बैठे हैं क्या यहाँ? कोई बात नहीं, जो हाथ ऊंचे नहीं करना चाहते ये उनके गुरु माँ का सम्मान है, उनके लिए उनका समर्पण है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ इस मंच से, जो मंडी के यहाँ बैठे हैं धर्म की मंडी में, आज अपनी मंडी में जाओगे तो कल से दूना कमाओगे। जो अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है महान्वा, वो ध्यान रखना वो अपना सर्वस्व निछावर नहीं करता परन सर्वस्व ग्रहण करने की शक्ति पैदा कर लेता है। कल माता जी का हम 53वां दीक्षा दिवस मनाने का शुभारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में जिन सहस्थान आराधना का यहाँ पर एक कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि ये हॉल हम पहले भी जानते थे लेकिन इसमें बहुत कुछ अच्छा हुआ है। पहले फर्श नहीं था, अब फर्श लग गया है। पहले ये प्लग सीमेंटेड नहीं थे, अब इस पर प्लास्टर और ग्रेनाइट लग गया है। काफी कुछ परिवर्तन हुआ है, तो हम लोगों में बहुत परिवर्तन हो गया है। निश्चित रूप से आप सबकी रक्षा का पैगाम लेकर के आपके बीच में आए हैं अपने गुरु माँ के साथ में, भगवान महावीर के एजेंट बनकर। तो आप सब लोग तैयार रहें, कल जो सहस्नाम जिन सहस्नाम आराधना का यह कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के लिए आप सबको यहाँ पर आना होगा। कितने बजे आएंगे? 5:45 पर, आपका इंडियन टाइम बता रही हूँ मैं, और एग्जैक्ट टाइम जो होगा वो 5:58 होगा। कौन सा सुन रहे हैं ना आपको? मातृशक्तियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं, बड़ी शांति से बैठी हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत शांत प्रतिमा है। समझ में आ रहा है ना? बोलो ना, हाँ आ रहा है। कितने बजे आना है कल? 5:45 पर, ठीक है ना? अब इस आराधना में, चूंकि माता जी का 53वां दीक्षा दिवस संपादित करेंगे, तो 53 हवन कुंड यहाँ पर होंगे, 53 परिवार उस आराधना में बैठेंगे। हमारी मैनेजमेंट कमेटी यानी कि जो पूरा संपूर्ण दिगंबर जैन समाज मालपुरा निवाई यहाँ पर जिस आयोजन का एक विधिवत कार्यक्रम कराने जा रहा है, उसका सबसे पहला फाउंडेशन हमारा जिन सहस्नाम आराधना से शुरुआत होगी। निश्चित रूप से अंतिम नियति इसकी बहुत ही सुंदर संपादित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसके लिए हम चाहेंगे आयोजन समिति के लिए कि एक यज्ञ नायक की हमें आवश्यकता पड़ेगी, जो यज्ञ नायक की भूमिका उस जिन सहस्नाम या आराधना में सर्वोपरि होगी। तो मैं चाहूंगी, क्योंकि यज्ञ नायक की पात्रता तो सभी रखते हैं लेकिन किसी एक को ही चुनना पड़ेगा, उसके लिए अपना एक व्यवहार से औपचारिकता होती है, बोली के चयन की अथवा एक राशि फिक्स की, जैसा भी आपकी भावना हो आप करना। आप सबके बीच में बैठ कर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, आप सबके चेहरे देख कर के लगता है कि कोई भी तो अपरिचित नहीं है, सब मेरे अपने हैं और मैं, आप ही बोलेंगे मैं आप सबकी हूँ। ध्यान रखना मान भाव इन्हीं वाक्यांशों के साथ में आप सबके लिए तीर्थंकर शांतनाम भगवान से यही प्रार्थना कामना और भावना करती हूँ कि वो परमात्मा आप सबको असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, समृद्धता और आरोग्यता प्रदान करता हुआ आप सबको इसी तरह एक सूत्र में बांध करके रखे। इन्हीं भावनाओं के साथ
मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ सकल दिगंबर जैन समाज निवाई के लिए। दोनों हाथों को लेकर के आए हैं तो एक बार हाथ ऊंचे करेंगे। जिनके हाथ ऊंचे नहीं हो पाते हैं वो भावों को ऊंचा करेंगे और जयकारा लगाएंगे। जब ये परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनीय आर्य का श्री विश्वमति माता जी को आइए आजा जेके नायक का चयन अगर करना चाहें। हाँ आइए, निश्चित रूप से पुण्य की प्रकाशक है ऐसी जिन साहस का महा आराधना और उस महा आराधना का यज्ञ नायक बनने का सौभाग्य जिस जोड़े जोड़े के साथ बैठे पूरे परिवार के साथ पंद्रह परिवार पूरा परिवार एक परिवार केवल एक परिवार में यह सौभाग्य मिलेगा जो यज्ञ नायक परिवार कहलाएगा जिन साहस नाम महा आराधना का पूज्य माता जी के 53वें दीक्षा महोत्सव के उपलक्ष्य में देखना चाहूंगा मैं। कौन ऐसा पुण्यवान भाग्यवान सौभाग्यवान किस्मत वाला यहाँ पे बैठा हुआ है जो यहाँ पर एक शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक आवाज दीजिए जहां से मैं शुरू करता हूँ, एक आवाज एक राशि जहां से मैं शुरू करूँ यज्ञ नायक बनने का। सबसे बड़ा मुखिया मान लीजिए, ये मानिए कि कल की साहस नाम आराधना का मुखिया बनने का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा। कहाँ से शुरू करूँ? देखिए महिलाएं सही बैठी रहे, माता जी खुद विराजमान है यहाँ पर, तो आप सब भी अपने स्थान पर बैठे। 10 मिनट का कार्यक्रम है केवल, सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। ₹11,000 शुरुआत करते हैं हम सभी, और जल्दी से अपने भाव बना लीजिए और अपने पुण्य जगाइए। चलिए ₹11,000 एक बार ₹11,000 देख लेना, कल नहीं तो फिर बाद में पछताओगे। ये पैसे के चक्कर में हमने इतना अच्छा मौका छोड़ दिया। पैसे कमाने के मौके तो बहुत मिलेंगे ये ध्यान रखना, लेकिन उसको सही जगह पे लगाने का मौका बहुत कम मिलेगा आप लोगों को, ये सबसे बड़ी चीज होती है। ₹11,111 एक बार, ₹11,111 दो बार, ₹11,111 ढाई बार, ₹11,111 पौने दिन बाद, पौने दिन बाद, पौने दिन बाद, पौने दिन बाद। समय कम है, मैं जल्दी से छोड़ दूंगा। ₹11,111 पौने दिन इधर जी, मुझे पूछो भाई साहब से पूछो। हाँ ₹11,111 ₹21,221 एक, ₹21,221 दो, ₹21,221 ढाई, पौने तीन। समय कम है, भाव अगर है तो तुरंत प्रकट कीजिए। माताओं की तरफ से कोई आवाज निकल रही है जी? ₹21,221 लगा लो, मौका है, मौके पे चौका लगा लो जी। अच्छा, सबकी नजर ये वाले भाई साहब के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि समाज में आप अपना एक विशेष स्थान रखते हो, ये बात पक्की है। एक दो घंटे की आराधना है, मौका है। मुझे ये बात पक्की है कि समाज के अगर किसी लोग किसी व्यक्ति से विशेष से कहे तो एक बात तो पक्की है कि उसने अपनी इतनी जगह तो बनाई है कि समाज वाले उससे पूछ सके कि थोड़ा सा शिविरता के साथ ₹21,221। चलिए ₹25,525 तालियां तो बजा रहे, बात ₹25,525 एक दो ढाई पौने तीन और ₹25,525 पौने तीन, ₹25,525। ये वाले भाई साहब का नाम क्या? बड़ी विशेष भूमिका निभा रहे हैं। वास्तव में ऐसा होना चाहिए, और अगर ये कह रहे हैं तो ये अपने लिए थोड़ा ना कह रहे हैं, इनको क्या फायदा है? इनको बताए कि समाज की व्यवस्थाएं सारी की सारी चलती है। बहुत बढ़िया, ऐसे व्यक्तित्व होने चाहिए समाज में। देखो वो भी जानते हैं कि कौन कौन व्यक्ति दानवीर है, तहसीलदार है क्या? अच्छा, इसीलिए ₹25,525 एक बार, दो बार, ढाई बार, थोड़े वो 21 वाले भाई साहब से पूछ लो एक बार। ₹25,525 एक दो ढाई पौने तीन। ज्ञान की आप इशारा करोगे तभी मैं सीन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। हाँ
और मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे सांसद महोदय भी पूज्य माता जी के दर्शनार्थ यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। चलिए 25,525 पे एक दो ढाई पौने तीन और जिनकी तरह भी एक पुण्य खींच के आजकल आ गया वे हैं 25,525 पे तीन बार। आइए नाम श्रीमान उत्तम चंदी पारस चंदी संजय कुमारी प्रेस वाले जोरदार ताली से आपको स्वागत कीजिए। बहुत बहुत बधाई देते हैं उनको यज्ञनायक बनने की। कल के विशेष इस आयोजन के यज्ञनायक का मैं आमंत्रित करूंगा वे सब परिवार यहाँ पर आए। सब परिवार आइए और श्रीफल अर्पित कर बंधुओं हम सबके बीच में हमारे सुखबीर सिंह जी जोधपुरिया जो टोंक जिले के सांसद हैं और पूरे हिंदुस्तान की संसद के सबसे चर्चित सांसद हैं सम्मान श्री सुखबीर सिंह जी जोधपुरिया हमारे बीच है। सभी कार्यों के अनुग्रह के साथ उनका स्वागत है। परम सम्मान्य सुखबीर सिंह जी जोधपुरिया सांसद टोंक साहब मधुपुर साथ में हमारे जिले के श्री नरेश जी बंसल जो भाजपा जयपुर के प्रभारी हैं बूंदी और जयपुर जिले के प्रभारी हैं और हमारे बीच में साथ में हैं श्रीमती ममता जी चौधरी पूर्व प्रधान उमिया मैं सभी महानुभाव का सकल दिगंबर जैन समाज की वाई की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं हार्दिक सम्मान करता हूं। आदरणीय सांसद महोदय ये जो धर्म की संसद लगी हुई है इस संसद में सांसद महोदय पधारे हुए हैं उनका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य माता जी ने दोनों हाथ उठा उठा करके उनको आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से राजनीति में रह करके अहिंसा का प्रचार प्रसार उनके माध्यम से होता रहे मैं कमेटी उनका स्वागत सम्मान आपको आग्रह है। हमारी विशुद्ध मती माता जी ससन के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर टोंक जिले के सुमंगल कामना के उद्देश्य से माता जी के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर रहे हैं जिले के सांसद सुखबीर सिंह जी जौनपुरी साथ में है हमारे हमारे बीच निवाई पंचायत समिति के प्रधान रामविलास दानवे साहब शंकर जी साहब साथ में पधारे सकल दिगंबर जैन समाज का हार्दिक स्वागत करती है हार्दिक अभिनंदन करती है। बिल्कुल नहीं ये ध्यान रखें इसलिए फटाफट अपना नाम लिखवा दिया कहीं ऐसा ना हो
रखिए। हमारे टीम उपस्थित है, हमारी निवाई पंचायत समिति के प्रधान सम्मान्य श्री रामविलास जी डांगड़ी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारे। हमारे बीच हमारे समाज के ही हमारे आदर्श और सदैव सामान्य सेवा में अग्रणी रहने वाले जो जिले में हमारा प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं जिला प्रमुख के प्रतिनिधि के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के जयपुर और बूंदी जिले के प्रभारी भी है सम्मानीय युवा आदर्श भाई साहब नरेश जी बंसल, उनके स्वागत के लिए सुश्री जी गिंदोड़ी मनोज जी पाटनी कृपया पधारे। सुश्री जी भाजपा और माननीय बंसल साहब का स्वागत करें। हमारे बीच उनियारा से पधारी हुई उनियारा पंचायत समिति की पूर्व प्रधान श्रीमती ममता जी चौधरी हमारे बीच में आमंत्रित करूंगा कृपया मंच पर पधारे। उनके स्वागत के लिए शशि जी द्वारा और उनके मंडलीय कार्यकर्ता कृपया पधारे और माननीय अतिथि जी का स्वागत करें। हमारे बीच युवा नेता प्रभु जी बालोदिया मैं आग्रह करूंगा कृपया मंच पर पधारे और समान बनकर उनका माल्यार्पण कर विशाल उड़ाकर सम्मान करें। प्रभु जी बालोदिया ये सम्मान समाज दे रहा है, आशीर्वाद माता जी से मिल गया।